जाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क वन था जो 1937 ईस्वी में बना था। उपयुक्त फिगर पर आप कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स को आसानी से पहचान सकते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, माउस आदि। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े अन्य सभी उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन के लिए जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्रमानुसार निर्देश देता है। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के विभिन्न भाग, वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू, यह कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। मॉनिटर, टेलीविज़न की स्क्रीन की भांति लगने वाला उपकरण कंप्यूटर मॉनिटर कहलाता है। इस पर कंप्यूटर में दर्ज जानकारियों को देखा जा सकता है। कीबोर्ड, कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कीबोर्ड कहलाता है। इस बोर्ड के बिना कोई भी सूचना कंप्यूटर तक नहीं भेजी जा सकती। माउस, कीबोर्ड के साथ साथ माउस भी कंप्यूटर के संचालन का कार्य करता है। माउस की सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को एरो के माध्यम से संचालित किया जाता है। कंप्यूटर के लिए माउस नितांत आवश्यक उपकरण है। हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य हार्ड ड्राइव में ही होता है। हार्ड ड्राइव अनेक आकारों में मिलते हैं। वर्तमान में 4 GB का हार्ड ड्राइव आदर्श माना जाता है। रैम, यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इसे सामान्य भाषा में कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी की गणना मेगाबाइट्स में होती है। कंप्यूटर में जितनी अधिक रैम होती है उसकी मेमोरी भी उतनी ही अधिक होती है। अधिक रैम से कंप्यूटर की गति भी नियंत्रित होती है। मदरबोर्ड, यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू, रैम और कैचे जैसी यूनिटें इस बोर्ड में लगी होती है। सीडी-रोम, वैज्ञानिकों ने कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में एक ऐसे उपकरण का विकास किया है जो छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क सूचनाओं को सुरक्षित करने अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाओं के आदान प्रदान के कार्य में प्रयुक्त होता है। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की एक चकती होती है जिसका व्यास 12.5 सेंटीमीटर होता है। इसका प्रयोग निवेश निर्गम और बाह्य स्मृति को एकत्र करने में किया जाता है। साउंड कार्ड, कंप्यूटर में लगा साउंड कार्ड जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। प्रिंटर, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रिंटर भी आवश्यक उपकरण है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर प्रिंटर के रूप में जो प्रिंटर उपलब्ध है उनमें प्रमुख हैं डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट प्रिंटर। लेजर जेट प्रिंटर में उत्तेज दवाई का प्रयोग होता है। मशीनी कोड भाषा, मशीन कोड लैंग्वेज। इस भाषा में प्रत्येक आदेश के दो भाग होते हैं, आदेश कोड तथा स्थिति कोड। इन दोनों को शून्य और एक के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामरों द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए शून्य तथा एक के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी जिसके कारण असेंबली एवं उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया जिसे नेमोनिक कोड कहा गया। जैसे एडिशन के लिए एड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब एवं जंप के लिए JMP लिखा गया, परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था। अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया।
उच्च स्तरीय भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फॉर्ट्रन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। यह भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब है। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं इस प्रकार हैं। फॉर्ट्रन कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सेक्शन से मिलकर डिवीजन बनता है। बेसिक, यह अंग्रेजी के शब्दों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले के भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। एल्गोल, यहाँ अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु किया गया था। पास्कल, यहाँ एल्गोल का परिवर्तित रूप है। इसमें चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। कुमाल, यह कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। लोगो, इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। प्रोलॉग, यह अंग्रेजी के शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है, जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। फोर्थ, इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों एवं इंडो अरेबियन अंकों का प्रयोग किया जाता है। पिलॉट, C++, लिस्प, यूनिक्स एवं स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषा हैं। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। जॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया। टीम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाता है। इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 4 है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं।
विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के वन एस था, जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। मॉडर्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब प्रयुक्त होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करता है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। फॉर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। बेसिक भाषा को फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है जो फाइल संक्रमण के नाम से जाना जाता है। Y2K संकट अर्थात ईयर 2000 तारीखों से संबंधित कंप्यूटर की समस्या थी। Y2K संकट को मिलियन बग भी कहा जाता है। सम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। ASIL अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक। क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। COMOL कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। DOS डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS डेस्कटॉप सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। E-commerce इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। Fortran फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FAX फार अवे ज़ेरॉक्स। FLOPS फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTML हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL लो लेवल लैंग्वेज। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेटिंग पर सेकेंड। MODEM मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। NICNET नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। PCDOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। Snowball स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार मोजले एवं एलर्ट के द्वारा किया गया। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट के जनक डॉक्टर विंटर जी सर्फ हैं।